बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों, मैं बयां नहीं कर सकता आपको, बहुत ही साफ पानी है माँ नर्मदा का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों रात में तो काफ़ी थकान लग गई थी, तो रात में बहुत बेहतरीन नींद आई, हमने आराम करा अपने होटल में। अब सुबह हो चुकी है तो फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अब हम अपने ओमकारेश्वर की यात्रा के लिए निकलेंगे। चलिए फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों सुबह हो चुकी है, देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले हम एक चाय का आनंद ले लेते हैं। दोस्तों अभी हम चाय का आनंद लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सुबह के समय देख सकते हैं कि यात्रियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, कितनी भारी तादाद में लोग सुबह यहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा भीड़ और बढ़ती जाएगी, तो जब भी आप ओमकारेश्वर के दर्शन करने आइए तो मेरी सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी सुबह सुबह चले जाइए, जिससे आपके जल्दी दर्शन हो जाएंगे। देख सकते हैं अभी तो 7:30 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन जैसे ही दिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा भीड़ और भी ज़्यादा होती जाएगी। अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक घंटे बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोकल लोग लग रहे हैं यहाँ के, किस तरह से देख सकते हैं अपना ट्रैक्टर ट्राली पर यहाँ पर ओमकारेश्वर के दर्शन करने पहुँचे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों सुबह का व्यू देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, लोगों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन उस संख्या में भी एक अलग प्रकार की शांति दिख रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम फिर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं नदी के पास, क्योंकि सर्वप्रथम हम नर्मदा नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद ही तो ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, नीचे हमें उतर करके जाना पड़ रहा है। मैंने आपको कल बताया ही था कि जब बारिश का मौसम होता है तो जल स्तर काफ़ी नदी का बढ़ जाता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी डैम ने पानी रोका हुआ है। और मैंने जब जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करी तो उन्होंने बताया करीब करीब 11 बजे टाइम टू टाइम पानी डैम से छोड़ा जाता है, तो इस समय जो मैंने आपको शाम को नदी दिखाई थी उसके मुकाबले अभी नदी में पानी कम है। दोस्तों देख सकते हैं ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, देख सकते हैं सुबह का व्यू ओमकारेश्वर का। दोस्तों इस वक्त मैं नदी के एकदम करीब पहुंच चुका हूं। नदी का पानी यानी जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी डैम द्वारा पानी छोड़ा जाएगा तभी रात जितना पानी हो जाएगा। और सुबह का व्यू देख सकते हैं लोग किस प्रकार से नर्मदा नदी में स्नान कर रहे हैं, अलग अलग पूजा कर रहे हैं अपनी आस्था के अनुसार। और सुबह का व्यू पॉइंट देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। और मेरे पीछे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, हम स्नान करके उसी ब्रिज को पार करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो, उस मंदिर तक पहुंचेंगे। दोस्तों चलिए अब हम नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग नर्मदा नदी के एकदम किनारे पहुंच चुके हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इतना बेहतरीन यहाँ पर दृश्य है जिसको मैं वीडियो में नहीं बयां कर सकता। आपको यहाँ पर ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में आकर के ये चीज़ देखनी पड़ेगी। देख सकते हैं दोस्तों कितना निर्मल जल है, बहुत ही साफ पानी है माँ नर्मदा का। पानी का जल स्तर तो काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि डैम द्वारा पानी को रोका गया है। जब हम कल शाम को आए थे दोस्तों तो पानी का जल स्तर वहाँ तक था, देख सकते हैं आपने वीडियो में देखा भी होगा, शाम जो मेरी दूसरी वीडियो आधारित थी ओमकारेश्वर के ऊपर उसमें आपने देखा होगा कि पानी का जल स्तर जहाँ कैमरा अभी दिखा रहा है वहीं है। आइए अब हम नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने का आनंद लेते हैं।
आनंद आ रहा है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बहुत ही साफ पानी है माँ नर्मदा का। दोस्तों एक बार तो जीवन में आप जब भारत की यात्रा पर निकले, एक बार तो जरूर ओंकारेश्वर में आइए। अब हम मैं 2022 में भी आया था यहाँ, 2023 में भी आया था, लेकिन मैं इस बार अकेला आया हूँ। क्योंकि जब घर वाले आते हैं या कोई दोस्त आते हैं तो वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो उनके अनुसार थोड़ा चलना पड़ता है। मेरा मन था कि मैं कम से कम नर्मदा में, माँ नर्मदा में एक घंटा नहाऊँ, तो उस चीज़ को मैं पूरा करूँगा। और फिर आगे आपको ओंकारेश्वर मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है हमारा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय डैम के पानी को छोड़ दिया गया है, और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सीटी वगैरह मार करके सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा दूरी पे आ जाइए, क्योंकि पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले ये जो दीवार दिख रही है उसके उधर तक पानी था, अब यहाँ तक पानी आ गया और धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप, दोस्तों हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कुछ लोग पूजा वगैरह भी कर रहे हैं, और निरंतर यहाँ पर लोग और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम चलिए माथे वगैरह पर टीका वगैरह लगा लेते हैं। तो महाकाल का टिक्का हम लगा चुके हैं, और आप बोर्ड भी देख रहे होंगे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जाने का रास्ता बताया गया है। दोस्तों चलिए हम उस ओर बढ़ते हैं। अब प्रवेश द्वार पर हम एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं और लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और ब्रिज तक पहुंचेंगे, और ब्रिज को पार करके नर्मदा नदी को भी हम पार करने वाले हैं। दोस्तों हम ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं, और सामने बोर्ड भी लगा है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार। अगर आपको ओंकारेश्वर जाना है तो इस ब्रिज को क्रॉस करिए, अगर आपको ममलेश्वर जाना है तो ममलेश्वर का बोर्ड भी लगा हुआ है, वो इस दिशा में है मंदिर, लेकिन पहले तो हमें ओंकारेश्वर जाना है। तो अब हम ब्रिज की ओर पर चले हैं, और ब्रिज से नर्मदा नदी का सीन आपको दिखाने वाला हूं मैं। दोस्तों देख सकते हैं ब्रिज से नर्मदा नदी किस प्रकार से दिख रही है, और जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर है वो यहां से किस तरह से दिख रहा है। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन दृश्य। दोस्तों हम ब्रिज के ऊपर इस समय चल रहे हैं और माँ नर्मदा को पार कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू, मुंह दिल को छूने वाला व्यू है। देख सकते हैं किस प्रकार से है ब्रिज, और यहाँ पर व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल नर्मदा नदी यहाँ से दिख रही है दोस्तों। और सामने डैम है, देखिए आप काफ़ी ऊंचाई पर हर ब्रिज, ये बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं, नौकाएं किस तरह से लोगों को घुमा रही हैं माँ नर्मदा में, आप देख ही सकते हैं कैमरे में सारा आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से व्यू देखिए आप कितना बेहतरीन है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ही समय बाद हम ब्रिज को क्रॉस कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम ब्रिज ख़त्म होने की ओर पहुँच रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों कितना ही सुंदर दृश्य माँ नर्मदा का, और देख सकते हैं बकरियां हैं यहाँ पर ऊपर छत पे बैठी हैं, पता नहीं कैसे पहुँच गई, मेरे को नहीं पता। और लोगों की संख्या देख सकते हैं निरंतर बढ़ती जा रही है, और फिर से आपको व्यू दिखाएंगे। दोस्तों आप व्यू चेकआउट करिए,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पल वगैरह उतारने की पूरी व्यवस्था करी गई है, और यहाँ पर फूल मालाएं की दुकानें और कुछ खाने की दुकानें भी मौजूद हैं। ये पोहा, मध्य प्रदेश में तो पोहा आम बात है, आपको पता ही है। हेलो गाइस, हेलो, देख सकते हैं आप फूल मालाएं की दुकानें हैं, देख सकते हैं। हम भी फूल मालाएं लेंगे और फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने फूल मालाएं ले ली हैं, देख सकते हैं आप, और हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। यहाँ से भी आप चेक करिए कि ब्रिज किस प्रकार से दिख रहा है, कितना सुंदर दृश्य माँ नर्मदा का। बार बार मैं सुंदर दृश्य आपको माँ नर्मदा का दिखा रहा हूँ अलग अलग एंगल से। दोस्तों जल्द ही हम मंदिर के पास ही पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे रास्ते में देख सकते हैं अनेकों दुकानें हैं प्रसाद की, फूल मालाएं की, मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो दुकानें ख़त्म नहीं हो रही हैं, और भी काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। जहाँ मर्जी से प्रसाद ले सकते हैं, या आप स्नान करके पास में दुकानें हैं वहाँ से ले लें, या यहाँ से ले लें दोस्तों। बहुत ही जल्द हम अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे। लोग बता रहे हैं कि आज भीड़ है, काफ़ी काफ़ी भीड़ है, तो करीब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। दोस्तों हम मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं मंदिर की दीवारें हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और लाइन में हम आ चुके हैं दोस्तों, और भक्तों का हुजूम है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अन्य भी काफ़ी मंदिर हैं, देख सकते हैं भक्तों का हुजूम है। तेजी से भागना पड़ेगा, कह रहे हैं ये, तेजी से हम भी भागेंगे। आप भक्तों का हुजूम देख सकते हैं, किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, देख सकते हैं। ये मंदिर की बैक दीवार है, देख सकते हैं पीछे वाली दीवार है, बहुत ही प्राचीन मंदिर ओमकारेश्वर का, देख सकते हैं आप। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और हम लाइन में इस समय आ चुके हैं। अन्य मंदिर भी है यहाँ पर, देख सकते हैं शनि मंदिर है, इसके दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करें, तो भगवान शिव से जुड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। कहने का मतलब, हम जहाँ पर इस समय खड़े हैं तो ये एक पहाड़ी है जो ओम के आकार की है, और इसको मंदाता भी कहा जाता है, मंदाता दीप। इस नाम के पीछे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक कथा भी आती है, जिसके अनुसार राजा मंदाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर दो वर मांगने को कहा, जिसके बाद मंदाता ने पहले वर में इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा, और उसके बाद कहा कि आपके नाम से मेरा नाम भी जुड़ जाए। तभी इस जो ये दीप है, इसको मंदाता दीप कहा जाता है दोस्तों। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर दोस्तों कई और मान्यताएं भी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर आपकी सारी जो तीर्थ यात्रा है वह अधूरी है। दोस्तों अगर हम इस मंदिर की और चर्चा करें, तो उज्जैन में जो स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ की जो भस्म आरती है, उसी प्रकार ओमकारेश्वर मंदिर में भी शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को तीन पहरों की आरती होती है। मान्यता यह भी है
कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने आते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है दोस्तों कि रात में यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बावजूद सुबह चौसर दोस्तों जो ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से करीब करीब 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव की दोनों तटों पर स्थित हैं। अभी हम पहले तट पर पहुँचे हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं और फिर उसके बाद नदी उस पार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके भी दर्शन हम करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके इस वक्त बाहर आ चुके हैं और बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं और ये लोग आ रहे हैं दर्शन करके। गर्भगृह के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो उस चीज़ का हमने पालन करा, मतलब कि अगर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा क्योंकि अंदर गर्भगृह में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो दोस्तों मैं ओमकारेश्वर के दर्शन करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। मैं वैसे तो वहाँ लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था 10 सेकेंड क्योंकि भीड़ इतनी है तो वो लोग भी क्या करें, लेकिन मैं कोने में खड़ा हो गया था और मैंने बहुत कम से कम वहाँ 5 मिनट बिताए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था, दोस्तों ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ प्राप्त हो गई है, हर लक्ष्य प्राप्त हो गया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था मेरे को वहाँ पर पे। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जीवन में एक बार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आइए और ये जो तो आपको दृश्य दिख रहा है ये ज़रूर देखिए, बहुत ही सुहावना। अब हम आगे चलेंगे जहाँ हमने चप्पल वगैरह उतारी है और फिर ब्रिज को पार करके अन्य चीज़ें करेंगे जो यहाँ पर मन है। उससे पहले आपको एक बार फिर, इस समय धूप हो चुकी है तो नर्मदा नदी का दर्शन कराएंगे आपको। दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर के तो दर्शन हम करके आ चुके हैं, अब हम मन कर रहा है एक चाय का आनंद ले लिया जाए। यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं बाहर ही। पोहा खाने का मन था लेकिन भैया का पोहा देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है तो पोहा का आनंद तो कहीं और से लेना पड़ेगा। भैया इस समय रोज ही ख़त्म हो जाता है क्या आपका पोहा? रोज हो जाता है, दोबारा नहीं बनाओगे? अभी तो 10 ही बजे है यार, घर जा रहे हो आप? कितने बजे आए थे? रात को 3 बजे आए थे, अब 10 बजे जा रहे हो? चलो ठीक है, अपना आप जाएंगे आनंद लेंगे आगे की जिंदगी का, ठीक है। तो दोस्तों फिर से हम ब्रिज पर आ चुके हैं और ब्रिज से नर्मदा नदी का आनंद ले रहे हैं। अब हम थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि भूख भी लग चुकी है दोस्तों, उसके बाद ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करेंगे। जब तक आप दोस्तों दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते तब तक यहाँ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों हम इस समय मध्य प्रदेश के पोहा का आनंद लेने दुकान पर आ चुके हैं, अब हम पोहा का आनंद लेंगे। यहाँ पर बहुत जल्द पोहा आएगा हमारे पास।
तो दोस्तों हमने पोहा का आनंद तो ले लिया है, अब परोठा वगैरह खाने का मन था तो मैंने पनीर का परोठा ऑर्डर किया, वो भी आ चुका है। अब हम पनीर के परोठे का आनंद लेंगे और अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में। नमस्कार दोस्तों।